ट्रेडर्स वेलकम टू इमर्जिंग ट्रेडर्स। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI। अगर आपने ट्रेडिंग अभी अभी शुरू किया, अगर आपको 1-2 महीना हो गया और आप थोड़ा थोड़ा आप प्राइस एक्शन सीखे, सपोर्टिंग रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखे, और अगर आप ऑलरेडी मार्केट में 1-2 साल से ट्रेड कर रहे हो, तो आप दोनों के लिए ये वीडियो था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग RSI के बारे में बात करेंगे, कैसे हम लोग को RSI हम लोग को इंट्राडे में और साथ ही साथ हमको स्विंग ट्रेडिंग में काम आएगा, उसके हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज देखेंगे और कैसे इसको ट्रेड करना है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो RSI को हम लोग ट्रेड हमारे जो ट्रेडिंग चार्ट है उसको ले चलाते हैं। इंडिकेटर्स पर आपको क्लिक करना है, इधर सिंपली आपको ये लिखना है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो सबसे सिंपल वाला होगा। RSI स्ट्रेटजी कॉर्नर्स आ गए या स्टोकेस्टिक RSI में क्लिक नहीं करेंगे, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, तो उस पर क्लिक करके हम लोग प्लॉट कर देंगे। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो गाइस अगर कोई भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो, तो हमेशा सबसे पहले उसकी सेटिंग्स चेक कर लें कि सेटिंग से क्या होगा, आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे, आप अपने तरीके से चार्ट को या जो इंडिकेटर है उसको आप थोड़ा ऊपर नीचे ट्विक करके, मतलब अपने जब कस्टमाइज करके उसमें काम कर सकते हो, आप अपनी कुछ स्ट्रैटेजी बना सकते हो, करके देख सकते हो कि जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई वो काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, जैसे हम लोग कभी भी कुछ भी नया लैपटॉप लेते हैं या फोन लेते हैं, हम तो फोन की सारे फंक्शंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फोन को यूज करते हैं। करेक्ट, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैं किसी को कॉल लगाऊंगा, कुछ लोग लेते रहेंगे डायरेक्टली लगाते, बट इवेंचुअली आप उसकी सेटिंग्स उसे चेक करते हो, उसके फंक्शन चेक करते हो। तो हमेशा इंडिकेटर में जाना, इधर आप होवर करोगे तो इधर ये आपका इससे ये हाइड एंड हाइड हो जाएगा, और इधर जो सेटिंग्स है इसके ऊपर क्लिक करना। अभी इसके अंदर आप ये चार्ट का ना शायद ये सब कुछ ऑन रहेगा। ठीक है, ये ऐसे सब कुछ ऑन रहेगा, तो इन सबको ऑफ कर देना, क्योंकि जितना कम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। तो आपको सिर्फ 3-4 चीजें चालू रहना चाहिए, 3-4 चीजों पर जो स्टिक रहना चाहिए। एक जो RSI का बैंड है वो RSI अपर बैंड, RSI लोअर बैंड, बैकग्राउंड बैंड, ये जो ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो सब है वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, और विजिबिलिटी में अगर कुछ करने की जरूरत नहीं, इनपुट्स में जो RSI के लेंथ है 40 वो कम हो ही रही है। ठीक है, अभी आपके इसमें ना ये जो अपर बैंड और लोअर बैंड है, अगर 70 और 30 होगा, मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले इसको चेंज करके 60 और 40 कर देना, और अगर डिफॉल्ट पे आप क्लिक करोगे तो सेव एज डिफॉल्ट है, इसको आप ओके कर देना। ठीक है, तो जैसे आप ओके करोगे ना, तो आप इधर देखोगे इधर एक ये ऐसे एक इंडिकेटर हमारा प्लॉट। ठीक है, अभी ये क्या बताता है हमको, तो ये जो बैंड है ना, अगर आपको जो पर्पल कलर का जो बैंड दिख रहा है, तो वो है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट उस टाइम पे ज्यादा वोलेटाइल नहीं होती या ज्यादा रिएक्ट नहीं होती। ठीक है, जब भी RSI की वैल्यू 60 के ऊपर जाएगी, इसका ये मतलब है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में जा रहा है और ये ओवरसोल्ड होगा कुछ देर में। ठीक है, तो एक छोटा मोमेंटम आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो कि इधर से मार्केट अगर आप देखोगे इस लाइन को ऊपर देखना, ठीक है, अभी जैसे ये 60 के ऊपर गया, क्योंकि ये जो बैंड है 60 और 40 का लेंथ है। ठीक है, तो अगर ये बैंड के नीचे के जो व्हाइट वाले एरिया में है, मतलब हम लोग 40 के नीचे है, व्हाइट के ऊपर 60 के ऊपर है, तो अभी जैसे आप देखोगे इधर 60 के ऊपर जैसे RSI गया, वैसे ऊपर देखोगे स्टॉक भी, जो हमारा स्टॉक है जो निफ्टी है, ये भी ऊपर ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग मूव कैप्चर कर सकते हैं कि RSI में अगर 60 के ऊपर जा रहा है, और जैसे कि गाइस मैंने हमेशा पहले भी कुछ वीडियोस में कहा है कि कभी भी कोई भी इंडिकेटर आपको अकेला काम करके नहीं देगा, उसके साथ या तो आपको प्राइस एक्शन यूज करना पड़ेगा या कोई भी आपको स्ट्रेटेजी वो इंप्लीमेंट करेगा, तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। RSI एक ऐसा इंडिकेटर जिसमें आप दूसरे को इंडिकेटर भी ऐड करोगे तो भी और अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे इधर हमारा कोई रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है, और इधर अगर एक 60 के ऊपर वैल्यू जा रही है, तो हम लोग वहां पर एक ट्रेड ले सकते हैं और मूव कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये होता है कि अगर 40 के नीचे जाएगा मार्केट, तो उसके अंदर एक सेल पोजिशन आने की प्रॉबिलिटी ज्यादा है, सेलिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब अगर आप देखो इधर देखो, आप 40 के नीचे मार्केट गया, सॉरी 40 के नीचे RSI गया, लेकिन इधर मार्केट 40 के नीचे जाने के बाद भी एक स्टेबल जोन पर ही है, क्योंकि कैसे हुआ कि इधर जो ये सपोर्ट जोन था, जैसे अगर मैं इधर एक ये लाइन ड्रॉ कर लूँ,
अगर देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बनता, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, हमने ऑलरेडी हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो था उसके अंदर कवर किया है। जस्ट इन केस अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर RSI 40 के नीचे गया, लेकिन हमारे सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, तो इस केस में हम ट्रेड नहीं लेंगे। अभी जब इधर मार्केट में मार्केट ने जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो RSI 40 के ऊपर ही था, तो अभी इसमें भी ट्रेड हम लोग नहीं ले सकते एज पर दिस स्ट्रेटेजी, RSI की स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम लोग नहीं ले सकते। हाँ, अगर मान लो अगर आपका कोई दूसरा इंडिकेटर होता जैसे मूविंग एवरेज होगा, बॉलिंग डेट बंद होगा, अगर उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं था तब डेफिनेटली ट्रेड ले सकते हो। शैडो ट्रेड ऑब्वियसली फेल होता क्योंकि हम लोग को दिख रहा है कि अगर शॉर्ट पोजिशन आते तो मार्केट को अगेंस्ट में चला गया। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है, कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करेगी, वो अगर 60-70% काम करे तो अच्छे खासे पैसे बना सकते, ठीक है। तो इधर ये आपको ये कॉन्सेप्ट आई बिलीव आपको समझा होगा, ठीक है। तो RSI का ना मेन काम क्या होता है ना, कि ओवरबॉट और ओवर सोल्ड बताना, ठीक है। ओवरबॉट और ओवर सोल्ड का अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर RSI ज्यादा ऊपर है, मान लो जैसे 70 पे, 80 पे, 90 पे, तो मतलब मार्केट ये कहना है या मार्केट में ये सबका मानना है कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर है, अभी प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर है और यहाँ से बिकवाली आ सकती है। या अगर RSI की वैल्यू 20 पे, 30 पे, 10 या 15 पे, तो ये मार्केट बहुत डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है, बहुत नीचे है, अभी मार्केट के 10 से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये रिवर्सल का काम करता है, ठीक है। ये आपको रिवर्सल के लिए एंट्री देने के लिए काम करता है। अभी रिवर्सल ट्रेडर्स आपकी जो रिवर्सल ट्रेड्स काम करता है, तो आप लोग को पता होगा रिवर्सल ट्रेडर ट्रेडिंग में आप लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे मान लो अभी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मुझे समझने के लिए, मैं मान लो अगर मुझे यहाँ पर कोई सिग्नल मिलवा और मुझे होता कि ये ओवर सोल्ड पे RSI, और मुझे इधर से सिग्नल मिल रहा है कि हाँ इधर कोई मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर जाने, तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड हूँ तो मेरा इस कैंडल के नीचे ही मेरा जो स्टॉप लॉस होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और टारगेट काफी बड़ा होगा। अगर मैं इतना बड़ा मूवमेंट में देखूँ, तो अगर मैं रिसेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखता तो भी आप देख सकते हो कितना अच्छा मूव मिलता मुझे, ठीक है। तो इसलिए रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है RSI का जो, ठीक है। अभी RSI ना एक और एक चीज में अच्छे से काम करता है, बट उसके पहले ना मैं आपको बताऊंगा, चलते हैं RSI देखोगे, RSI के अंदर ट्रेड करोगे तो पहले तो RSI पे देखो एक्टिविटी क्या हो रही है, फिर प्राइस एक्शन देखो कि प्राइस एक्शन जो अपने को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हमेशा पहले प्राइस को देखना है, फिर इंडिकेटर को देखना है, बट RSI में ये केस थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, या जिस हिसाब से जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ एटलीस्ट उस केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। अब अगर RSI पे किधर ऐसा डबल बॉटम पैटर्न ऐसे दिख रहा है, और अगर वैसा ही कुछ पैटर्न अगर इधर फॉर्म कर रहा है हमारे जो भी चार्ट, जो भी इंडेक्स, जो भी स्टॉक्स का हम देख रहे हैं, तो उस पे अगर वो कंफर्मेशन मिल रहा है तो हम लोग अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। जैसे अगर आप मान लो अगर आप इधर देखोगे तो ये इधर RSI गिर रहा था, इधर से एक सपोर्ट लिया और ऊपर जाके वापस एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बना है। और अगर आप यहाँ पर भी देखोगे यहाँ पर भी डबल बॉटम पैटर्न, अभी तो यहाँ पर तो डे खत्म हो गया था, बट अगर इधर गैप है मतलब बेसिकली वो एक कैंडल ही है, कैंडल ही है, तो गैप और गैप का क्या बनेगा, अभी अभी जो ऊपर चल दिया आ रहा है इस चीज पे। तो अभी तक आपने वीडियो लाइकिंग के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इधर भी ऑलरेडी मार्केट ने उस W पैटर्न को कंफर्म किया और यहाँ पर सब देख सकते हैं अच्छा मूव, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप RSI के ऊपर ट्रेड करते हो, RSI के साथ ट्रेड करते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप RSI पे देखो एक्टिविटी क्या हो रही है, और साथ ही साथ प्राइस एक्शन की देखो एक्टिविटी आपको कंफर्म कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपका प्राइस और RSI दोनों अच्छे से कंफर्म कर रहा है तो आपको बहुत अच्छे मूव मिल सकते हैं। हालांकि ये जो मैंने बताया जो चार्ट पैटर्न, ठीक है, चार्ट पैटर्न से मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हूँ, इसमें दो या तीन चार्ट पैटर्न ही काम करोगे, या तो आपका डबल बॉटम काम करोगे, या तो आपका हेड एंड शोल्डर, क्योंकि जो असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, ये सब फ्लैग एंड पोल, वो सब सारे पैटर्न वो RSI में बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इधर RSI में कोई सपोर्ट है, रेजिस्टेंस नहीं होता,
वैसे जो 40 और जो 60 की लाइन है उसको हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह हम लोग सिर्फ मानते हैं कि हाँ ये वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है उस आधे से 1 मिनट। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादातर इसमें जो डबल बॉटम जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं, डबल टॉप जिसको हम लोग एम पैटर्न। ठीक है, तो ये कुछ पैटर्न्स आपको दिख सकते हैं। तो अगर ऐसे पैटर्न दिखेंगे जो आपको शायद ज्यादा फ्रिक्वेंटली ना दिखे, थोड़े रेयरली दिखे, बट अगर ऐसे पैटर्न दिखेंगे तो ये इसमें आपको अच्छा मूव आ सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूँ जिसके अंदर हम लोग को इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न मिला है। अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट नीचे है, सॉरी यहाँ से RSI की वैल्यू नीचे है, ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर जाके आप देखते जरा एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न मिला। अभी जब हेड एंड शोल्डर का RSI पे यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये भी ब्रेक हो रहा है, इधर ये जो रेजिस्टेंस था ये भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है। और आप देखोगे कि इधर ये कहीं ना कहीं अच्छा रेजिस्टेंस ही था। ठीक है, और इधर ये ब्रेक होके हम लोग को एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि स्टॉप लॉस हम लोग का इस कैंडल के नीचे रहेगा, स्टॉप लॉस के लिए हम लोग एक अच्छा टारगेट मिल। ठीक है, तो ऐसे आपको आई बिलीव तो ये कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने बताया इससे आपको समझा होगा। तो अब ऐसे बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी आप चेक करना, स्टॉक्स में देखना, इंडेक्स में देखना, निफ्टी बैंक निफ्टी, ये सब में काम करेगा। और वैसे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जितने भी मैंने पूरे वीडियो सुने ना ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, टेक्निकल सॉरी इंडिकेटर से रिलेटेड, तो जो मैंने वीडियोज बनाए ना, ये चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, आप स्कैल्पर हो, आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, करेंसी में ट्रेड करते हो, कमोडिटीज में ट्रेड करते हो, ये सब चीज में काम आएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस एक स्किल है, बट वो स्किल का इस्तेमाल आप बाकी सारे स्टॉक्स में, करेंसीज में, जो भी आप ट्रेड कर सकते हो उस चीज में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे जरूरी नहीं है कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए बना रहा हूँ, ये आपके पेयर्स में, करेंसी में या क्रिप्टो में काम आएगा, डेफिनेटली काम आएंगे। ठीक है, तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो, करेंसी ट्रेडर हो, तो भी आप ये वीडियो एंड कर देना। अभी इसके अंदर एक सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटेजी है RSI में वो होती है डाइवर्जेंस। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होता है ना कि आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है लेकिन RSI पे मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, या जो कुछ भी आप ट्रेड करो, चाहे करेंसी चाहे क्रिप्टो, कुछ भी आप ट्रेड करो, तो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में या उस एसेट में उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए इस इंडिकेटर का नाम भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, कि उस RSI की वैल्यू, RSI की स्ट्रेंथ और जो एसेट को आप ट्रेड कर रहे हो, और दोनों की स्ट्रेंथ में कितना रिलेशन है। ठीक है, तो ये वो बताता है। तो मैंने ऑलरेडी अगर कुछ एग्जांपल निकाल कर रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इसको बुलिश डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं, बेयरिश डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है और RSI नीचे आ रहा है, तो मार्केट तो बुलिश मूव में, बट RSI बेरिश मूव में है, या RSI फ्लैट मूव में, तो ये होगा हमारा बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, हम लोग मार्केट के प्राइस को देखकर डिफाइन नहीं करेंगे कि वो बुलिश है कि बेरिश है, हम लोग RSI को देखकर डिफाइन करेंगे कि वो बुलिश डाइवर्जेंस है या बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको कुछ देर पहले ये भी कहा कि जब हम लोग RSI ट्रेड करते हैं तो हम लोग RSI को थोड़ा सा पहला प्रायोरिटी देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग जो स्टॉक्स के मूवमेंट को देखते हैं। जरूरी नहीं है कि RSI हर बार आपको काम करेगा और हर रोज आपको इसके जो ट्रेड्स है वो मिलेंगे, बट जब कभी मिलेंगे तो आपको काफी अच्छे मिलेंगे। अभी कुछ दिनों में कुछ अच्छे अच्छे मूव मिले हैं, उन्होंने ऑलरेडी एक सर एग्जाम्पल निकाल कर रखे आपको। ठीक है, तो अगर आप इधर जो मेरा कर्सर है ना उधर आप देखो, तो अगर आप देखोगे इधर RSI की वैल्यू, ठीक है, ये 75 पे है, आप लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक कलर में आप देख सकते हो 75.32 लिखा है, सॉरी राइट हैंड साइड में। तो उधर आप देखोगे तो इधर RSI की वैल्यू 75.32 पे है और प्राइस आप ऊपर देख सकते हो ये रेंज में चल रहा है कुछ 18,660 पे। ठीक है, अभी जैसे मैं धीरे धीरे RSI को राइट पे लेके जाऊँ और प्राइस को लेके जाऊँ, अभी प्राइस जो है अभी जो मैं इस एंड तक आ गया, ठीक है, प्राइस कितना ऊपर हो गया 18,749, 18,660 से 18,750 के आसपास आ गया, मतलब 90 पॉइंट बढ़ गया। बट अगर मैं RSI को देखूं, RSI आप देखो तभी 75 था, अभी 83 पे है, बट ये एक फ्लैट लाइन है। ठीक है, वैल्यू से ज्यादा हम लोग ये देखना है कि ये जो लाइन है फ्लैट है,
और इधर जो ये एक ट्रेंडी मार्केट है। कभी भी अगर ऐसा रहेगा ना कि अगर मार्केट तो ऊपर जा रहा है बट आर एस या तो फ्लैट है या तो नीचे जा रहा है, मतलब उसके अंदर हाई पॉसिबिलिटी है कि जहां कहीं भी एक रेजिस्टेंस मिला या जहां कहीं भी एक रिजेक्शन मिला वहां से प्राइस नीचे आने की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। और आप देख सकते हो कि इसी पॉइंट पे जहां पर यहाँ पर मार्केट का अपना हाई लगा है कल का, उधर से मार्केट देखो पूरा दिन नीचे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल, ये था हमारा बेरिश डाइवर्जेंस। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। तो अगर अभी आप देखोगे इधर, आप देखोगे RSI और जो मैंने ऑलरेडी इधर चार्ट पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया छोटी सी, और मैंने RSI पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो आप देखोगे इधर प्राइस नीचे आ रहा है और RSI का प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर आप इधर देखोगे RSI पहले 27 पे था, बाद में ये 32 पे आ गया। प्राइस पहले था 18,220 पे, उसके बाद प्राइस नीचे आ गया 18,200 पे आ गया। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा कि प्राइस नीचे आ रहा है और RSI ऊपर जा रहा है, मतलब जो गिरता हुआ जो मूवमेंट है, जो प्राइस है, उसमें मार्केट की स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें पॉसिबिलिटी ये है, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में था कि ऊपर मार्केट जा रहा है और RSI नीचे जा रहा है, मतलब ऊपर जाने वाले मार्केट में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। जहां कहीं भी एक रेजिस्टेंस मिलेगा, एक रिजेक्शन मिलेगा, वहां से मार्केट नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। उसका ही उल्टा, अगर यहाँ पर RSI ऊपर जा रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा या जहाँ पर कैसे पिन बार से कैंडल मिलेगी, हैमर कैंडल मिलेगी, वहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। पिन बार कैंडल, हैमर कैंडल के बारे में मैंने ऑलरेडी कैंडल से कभी बनाया हूँ अपने चैनल पे, तो आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया बुलिश डायवर्जेंस। तो जैसे मैंने कहा कि RSI पे मूवमेंट क्या बुलिश मूवमेंट, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, बुलिश डायवर्जेंस। इधर फ्लैट मूवमेंट था बट फ्लैट डाइवर्जेंस ऐसा कुछ नहीं था, तो इसको हम लोग बेरिश डाइवर्जेंस कंसिडर करेंगे। चार्ट का प्राइस ऊपर जा रहा था और RSI पे एक ही रेंज में था प्राइस। ठीक है, अभी आप इधर देखोगे, इधर आप देखोगे कि प्राइस एक ही रेंज में चल रहा है, इधर एक कंसोलिडेशन फेज में, लेकिन RSI पे वो वैल्यू नीचे की तरफ आ गई, बेरिश डाइवर्जेंस हो रहा है। आप देखोगे जैसे ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, उसका एक अच्छा मूव है। अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि प्राइस एक्शन के साथ ही कोई भी ट्रेड आपको लेना, भले से आपको RSI में एक बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है बट आपका कोई एक अच्छा सपोर्ट ब्रेक नहीं हो, तो आप उसके अंदर ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आपको लेना तो आप ले सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको शायद उतना अच्छा बेनिफिट ना मिले। उसके अंदर शायद आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा बार हिट कर लिया, उसके अंदर शायद आपको जो आपका रिवॉर्ड है, जो रिस्क रिवॉर्ड में जो बात करते हैं, आपको जो प्रॉफिट है वो ज्यादा बड़े प्रॉफिट नहीं होंगे। ठीक है, भले से उसके अंदर आपको सिग्नल्स बार बार मिलेंगे क्योंकि RSI और प्राइस ज्यादातर या काफी टाइम एक सेम डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करते, तो शायद आपको सिग्नल्स बार बार मिलेंगे, लेकिन हमेशा प्राइस एक्शन या इंपोर्टेंट लेवल्स को देख के ही ट्रेड करना है। ठीक है, अभी अगर आप इधर देखोगे तो इधर भी एक बेरिश डाइवर्जेंस था, तो इधर प्राइस ऊपर जा रहा है और आप नीचे भी देखते हो ना RSI में जो मेरे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर, इधर भी मेरे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर, RSI के प्राइस नीचे जा रहा है, थोड़ा सा फ्लैट है समझो, और इधर प्राइस ऊपर जा रहा है। अब इधर इधर एक रेजिस्टेंस मिला। ठीक, अगर आप इधर देखोगे, ठीक है, अगर आप देखोगे यही पे एक रेजिस्टेंस जोन था, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला और मार्केट नीचे है, भले से छोटा सा मूव था बट अगर आप रिवर्सल ट्रेडर हो, अगर आपने यही पे कैप्चर कर लिया, तो यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट इधर भी मिला होगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो प्राइस नीचे गिर रहा है और यहाँ पर RSI ऊपर जा रहा है, ये हो गया बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस में भी अगेन यहाँ पर आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा। ठीक है, अगर मैंने आपको यहाँ मार्क किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने पहले भी सपोर्ट लिया था और यहीं से मार्केट ने एक सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बना। जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, तो हमको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि अभी मार्केट ऊपर जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इधर से मार्केट ये देखिए कितना अच्छा ऊपर जा रहा है। जस्ट इन केस मार्केट नीचे गया जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस बस यहीं कहीं पर रहेगा, तो आपका लॉस भी होगा छोटा सा होगा। ठीक है, तो इससे ना RSI में ये सबसे अच्छा बेनिफिट होता है, जो रिवर्सल ट्रेडर होंगे वो लोगों को पता रहेगा कि वो लोग के स्टॉप लॉसेस बहुत कम, बहुत छोटे होते हैं, भले से शायद स्टॉप लॉसेस ज्यादा बार हिट होते होंगे। ठीक है, या उन लोग को एंट्री या उन लोग के जो सेटअप के साथ ट्रेड ज्यादा नहीं मिलते होंगे, लेकिन वो लोग के स्टॉप लॉसेस काफी छोटे होते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा अच्छे या ज्यादा बड़े प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे इंट्राडे के लिए।
ट्रेडिंग के लिए भी आप कुछ सेम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। मैं ये सजेस्ट करूंगा, जब भी आप इंट्राडे यूज कर रहे हो इंट्राडे में, तो हमेशा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखना। 5 मिनट्स पे ये इतने अच्छे तरीके से, पर्सनली मुझे इतना पसंद है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। कभी कभी आते हैं कुछ ज्यादा ही सिग्नल दे देते हैं, कभी कभी आते हैं सिग्नल मिलते ही नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। टाइम फ्रेम जो होता है वो थोड़ा सा नॉइज उसमें ज्यादा होता है, नॉइज मतलब कि वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा दिखती है, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको अच्छा टाइम फ्रेम होगा। अगर आप 1 से 2 दिन का, 3 दिन का, या विद इन 1 वीक अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप 1 आवर टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। अगर आप 1, 2, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते के लिए देख रहे हो, तो 1 डे टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, ठीक है। 1 वीक टाइम फ्रेम ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। वो 15 मिनट्स 1 आवर बेस्ट टाइम फ्रेम है आरएसआई के लिए, या और टू बी ऑनेस्ट कोई भी और इंडिकेटर के लिए। सिर्फ एक मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो जो कोई भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। बट वो भी मैं रिकमेंड करूंगा, या कोई भी इंडिकेटर मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम के टाइम फ्रेम पर ही देखें, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, बेरिश डाइवर्जेंस क्या होता है, ओवरबॉट क्या होता है, ओवरसोल्ड क्या होता है। हमेशा ना पहले आपको ये देखना है कि आपका जो प्राइस एक्शन लेवल अगर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्राइस एक्शन लेवल मैच कर रहा है तो पहले हम लोग पहले इधर ये देखेंगे कि इधर डबल बॉटम बना, ठीक है, डबल बॉटम बना, और जो प्राइस पे भी डबल बॉटम बना। ऐसा नहीं कि इधर डबल बॉटम बना, हमने मैंने आपको बोला कि आर एस एल डबल बॉटम बना के इधर ले लिया, बट अगर ऊपर ऊपर आपने देखेंगे प्राइस नीचे ही आ रहा था, तो आपका पक्का स्टॉप लॉस होगा। तो पहला कंफर्मेशन वो आर एस आई देगा, फिर उसके बाद दूसरा कंफर्मेशन प्राइस भी उस कंफर्मेशन को सपोर्ट देना चाहिए। जब दोनों दोनों चीज कंफर्म कर रही, तब जाके आपको एक ब्लास्ट मूव मिल सकती है, बड़ा मूव, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।